डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित और बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण या नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर पार्ट खत्म हुआ। आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ने जा रहे हैं। आप समावयवी से बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में आपने आइसोमेरिज्म समावयवी की घटना पढ़ी है और उपसंयोजक यौगिकों में भी समावयवता पाई जाती है। समावयवी क्या होते हैं? जब एक ही अणु सूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके। अणु सूत्र तो एक ही है और यौगिक को दो या अधिक, एक ही अणु सूत्र से दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि गुणों में भिन्न है। अणु सूत्र एक, यौगिकों की संख्या दो या उससे अधिक भी हो सकती है और इनके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो परिघटना होती है, फिनोमिनन, इसको कहते हैं समावयवता। इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। जब यौगिकों के अणु सूत्र तो एक ही है लेकिन वो दो या अधिक यौगिकों की तरीके से गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस फिनोमिना को, परिघटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और भिन्न भिन्न यौगिक जिनके अणु सूत्र एक ही हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। अब ये जो गुणों में भिन्नता आती है दो कारण से हो सकती है। संरचनाओं में भिन्नता के कारण होती है, चाहे अणु सूत्र समान हो या फिर अगर ये संरचनाओं में जो भिन्नता है ये कैसे होती है, परमाणु परस्पर संयुक्त होकर विभिन्न समूह बनाए। परमाणु तो वही है, संख्या भी वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से संयुक्त होकर के अलग अलग समूह बनाते हैं। और दूसरी बात कि समूह भी वही होता है, समूह सेम होता है लेकिन अंतराल में उसकी व्यवस्था, जैसे आप सिस और ट्रांस यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, अणु सूत्र वही होते हैं लेकिन अंतरिक्ष में, अंतराल में, स्पेस में उनकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है और इसी कारण से ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं और गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये जो समावयवता है, आइसोमेरिज्म जो है, ये समावयवता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अलग अलग परमाणु मिलकर के और अलग अलग समूह बनाते हैं संरचनात्मक समावयवता में आता है, जबकि समूह तो एक ही होते हैं लेकिन त्रिविम में या अंतराल में उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, वो त्रिविम समावयवता कहलाती है। अब अगर आप देखें तो संरचनात्मक समावयवता सात प्रकार की होती है, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, आयनाइजेशन, आयनन, हाइड्रेट, हाइड्रेटी कहलाता है, लिंकेज यानी बंधन समावयवता, फिर कोऑर्डिनेशन उपसंयोजक समावयवता,
कोऑर्डिनेशन पोजीशन अगर उपसह संयोजक या यूं कहें कि संकुल वाले भाग में स्थिति अलग अलग हो तो वो उपसह संयोजक स्थिति समावयवता कहलाती है। और अंत में लिगेंड समावयवता, कई लिगेंड ही ऐसे होते हैं जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके से इन लिगेंड से बने हुए यौगिकों में लिगेंड समावयवता कहलाता है। इसी तरीके से अगर त्रिविम समावयवता है तो त्रिविम में विभिन्न व्यवस्था ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है, यानी ऑप्टिकल यानी जो प्रकाश की पुंज आ रही है उसको रोटेट करने की, घुमाने की, घूर्णन करने की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जबकि ज्यामितीय समावयवी जो होते हैं ये ग्रुप भी वही होता है, लिगेंड्स वही होते हैं, लेकिन स्पेस में, अंतरिक्ष में उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। अब हम सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण, बहुलीकरण से आप परिचित हैं। बहुलीकरण का मतलब होता है एक ही यूनिट का, एक ही इकाई का बार बार रिपीटिशन होना, यानी उस इकाई का कई बार रिपीटिशन हो रहा है। कल आपने नॉमनक्लेचर में पैलेडियम क्लोराइड के केस में देखा था, पैलेडियम से जुड़े हुए दो क्लोरो समूह थे और ऐसी एन नंबर ऑफ इकाइयां थी, तो हमने उसको पॉली लगा के, कैटिना पॉली लगा के और उसका नामकरण किया था। आप बहुलीकरण से समझ रहे हैं कि यदि एक ही इकाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट हो रही है तो हम उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपसह संयोजक यौगिकों में बहुलीकरण का मतलब वो नहीं है कि एक ही इकाई बार बार आ रही है या एन नंबर ऑफ एक ही प्रकार की इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहां पर बहुलीकरण का मतलब है, जैसे इस उदाहरण के केस में देखिए क्या होता है कि इनका मूलानुपाती सूत्र तो समान है परंतु अणु भार भिन्न भिन्न है, इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट दुगना है और इनसे इनका मॉलिक्यूलर वेट तिगुना है। मतलब ये 1:2:2 है, ये 2:4:4 है और ये 3:6:6 है। तो कुल मिलाकर के इसमें वही एटम्स हैं, वही लिगेंड्स हैं, पर उनकी संख्या या एक संकुल से दूसरे संकुल का अणुभार दुगना या तिगुना है, इसलिए हम इसे बहुलीकरण कह रहे हैं। एक्चुअली में, हकीकत में सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुलक नहीं है, क्योंकि बहुलक में एक इकाई बार बार रिपीट होती है, एन नंबर ऑफ इकाइयां एक के बाद एक जुड़ी हुई होती हैं, वो बहुलीकरण कहलाता है। परंतु इस समावयवता का नाम है बहुलीकरण समावयवता, और ये जो समावयवी हैं ये बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। अब नंबर दो पर आयनन समावयवता, आयनन समावयवता से अपने आप में शब्द में ही ये बता रहा है कि कुछ आयनों से संबंधित समावयवी होंगे। आप देखिए इन दोनों संकुलों में वही ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे ब्रोमाइड, एमीन समूह, सल्फेट, कोबाल्ट से जुड़े हुए, यहाँ भी कोबाल्ट से जुड़े हुए सल्फेट, एमीन समूह और ब्रोमाइड है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सल्फेट आयन इस ब्रैकेट के बाहर, यानी सल्फेट आयन
प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है। अब ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आयनीय प्रकृति का है, जबकि इस संकुल में अगर देखा जाए तो सल्फेट जो है वो द्वितीयक संयोजकता से यानी ब्रैकेट के अंदर है और द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, आयनीय प्रकृति का है। जब भी इन संकुलों को जल में विलय किया जाएगा तो ये CO मतलब कोबाल्ट, और इसका अगर नामकरण किया जाए तो हो जाएगा पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण अंक हो गया एक ऋणावेश ये और दो ये 3, और आयनिक रूप में तो लिखा जाएगा जगह छोड़ के आयन। ठीक है, जब आप इसको विलयन में घोलेंगे या विलयन में डालेंगे, जलीय विलयन को देखेंगे तो CO(Br(NH3)5 2 प्लस आयन व SO4 2 माइनस आयन में विभक्त हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर CO(SO4) कोबाल्ट और इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट जगह छोड़ के आयन, यहाँ यह आयनिक फॉर्म में आ गया। या फिर अगर यह आयनिक फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है, तो आप क्या लिखेंगे पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 जगह छोड़ के ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 जगह छोड़ के सल्फेट। तो जब इन संकुलों को हम जली विलयन में विलय करते हैं, जल में विलय करते हैं, तो ये संकुल आयन व साधारण आयन में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से जब इस कंपाउंड को मेरे ख्याल से बहुलीकरण समावयवता आपको दिख रहा था जब आप पढ़ रहे थे, तो एग्जाम्पल्स दिख रहे थे, आयनन समावयवता के बारे में मैंने आपको समझाया, लेकिन शायद वो आपके सामने नहीं था, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। आयनन समावयवता इस प्रकार की समावयवता एक ही आयन के उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर व बाहर पाए जाने के कारण होती है। एक स्थिति में ऋणायन धातु आयन से द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़ा होता है, जबकि दूसरी स्थिति में दूसरा आयन द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़ा होता है। इस तरीके से जो द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़ा हुआ है आयनिक आयनी प्रकृति का है, जबकि ऋणायन अगर प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है तो वो आयनीय प्रकृति का है। इस प्रकार से अगर इनको जलीय विलयन इनका बनाया जाए तो विलयन में ये अलग अलग प्रकार के आयन्स देते, दोनों के अणु सूत्र समान है, जहां ये संकुल विलयन में सल्फेट आयन देता है वहीं ये दूसरा संकुल विलयन में ब्रोमाइड आयन देता है। चूंकि यहाँ पर सल्फेट कोष्टक के बाहर है, प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयनी प्रकृति का है, जबकि यहाँ पर ब्रोमाइड आयन उपसंयोजन क्षेत्र के बाहर है, प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्रोमाइड आयन दे रहा है। चूंकि एक ही अणु सूत्र वाले यौगिक अलग अलग विलयन में आयन्स दे रहे हैं, इसलिए ये आयनन समावयवी कहलाते हैं, और इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। ये आप देखिए थर्ड नंबर पे हाइड्रेट, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट से शब्द से ही
समझ में आता है कि ये कुछ जल से रिलेटेड बात होगी, जल से संबंधित बात होगी, तभी हम इसको कह रहे हैं हाइड्रेट। इस प्रकार के समावयवता जल के अणुओं के विभिन्न रूप में पाए जाने के कारण होती है। कहीं पर जल का अणु द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, एज लिगेंड जुड़ा होता है, जबकि कहीं पर ये जल का अणु वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल के रूप में यहाँ पर होता है। और इस तरीके से अणु सूत्र के समान होते हुए भी ये विभिन्न गुणों के होते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर क्रोमियम 6H2O लिगेंड की तरह जुड़ा हुआ है, क्रोमियम से 6 एक्वा या H2O समूह लिगेंड जो है वो जुड़ा हुआ है, और 3 क्लोराइड आयन कोष्टक के बाहर हैं, यानी प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं और आयनी प्रकृति के हैं। जबकि यदि इस दूसरे संकुल में देखा जाए तो इसमें क्रोमियम से जुड़े हुए 5 एक्वा या H2O लिगेंड है और 1 क्लोराइड आयन उपसह संयोजन क्षेत्र में प्रवेश करके क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को संतुष्ट कर रहा है, और 1 जल का अणु वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण जल के रूप में लगा हुआ है। आप देखिए ये प्रकृति में भी अलग अलग है, गुणों में भी अलग अलग है। इसका रंग बैगनी है जबकि इसका रंग हल्का हरा है। अगर ये तीसरे कंपाउंड में देखा जाए तो यहाँ पर क्रोमियम से जुड़े हुए 4 जल के अणु हैं या लिगेंड हैं, और इसलिए 2 क्लोराइड आयन्स उपसह संयोजन क्षेत्र में प्रवेश करके क्रोमियम की द्वितीयक संयोजकता 6 को संतुष्ट कर रहे हैं। इस तरीके से 2 क्लोराइड आयन्स उपसह संयोजन क्षेत्र में द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़े हुए हैं, अआयनीय प्रकृति के हैं, जबकि 1 क्लोराइड आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है और आयनीय प्रकृति का है। 2 जल के अणु वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में लगे हुए हैं, और इस तरीके से ये दोनों या तीनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के संकुल हैं। 1 में पूरे 6 वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु पूरे 6 के 6 द्वितीयक संयोजकता से लिगेंड की जगह लिगेंड की तरीके से जुड़े हुए हैं, जबकि इस संकुल में 5 जल के मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और 1 क्लोराइड आयन है। यहाँ पर 4 जल के अणु जुड़े हुए हैं और 2 क्लोरो समूह लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये तीनों गुणों में भिन्न भिन्न हैं। इस कंपाउंड का रंग बैगनी, दूसरे का हल्का हरा और तीसरे का गहरा हरा होता है। तो इन एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आया कि किस तरीके से अणु सूत्र एक ही होते हुए भी ये संकुल गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, और यही जो है आइसोमेरिज्म का मतलब होता है। आइसोमेरिज्म परिघटना का मतलब यही होता है कि अणु सूत्र तो एक ही हो लेकिन संकुल गुणों में भिन्न भिन्न हो। आज के लिए इतना ही। आइसोमेरिज्म को कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट को आती है तो वो अलग से प्रश्न डालकर पूछ सकता है। आपको कितना ये समझ में आ रहा है, और आप लोग इसको पढ़िए, इनको समझिए, ताकि
जो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डाले जा रहे हैं उनका आप पूरा पूरा लाभ उठा सके। धन्यवाद।